अब सबसे बड़ा नुकसान मेरा है, मेरा फोन कहाँ है, फोन दो, निकालो कहाँ है। चलते हैं भाई, आशीर्वाद को करते हैं विदा, और अभी चल रहे हैं पैदा पैदा एयरटेल स्टोर पे। नहीं, पास पे ही दिखा रहा है मैप पे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एमडी यादव ब्लॉग्स में। भाई अभी बज चुके हैं लगभग सुबह के 8 बज गए, और देखिए तो दोनों कितना खूबसूरत माहौल है। अभी हम हैं आपका कटा पत्थर पे, उत्तराखंड। देखिए एक ज़बरदस्त व्यू है, उधर हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा पीछे आपको। और ये देखिए, ये होटल का रूम, इस होटल में हम रुके थे रात को। देखिए भाई होटल का व्यू, ज़बरदस्त लोकेशन। अपनी अपनी दो रजाइयाँ लाए थे, इन्हें भी उठा लो भाई, और उठाते हैं बैग और निकलते हैं, होटल को करते हैं अलविदा। ये भाई होटल का व्यू, देखिए इधर कुछ गेम्स वगैरह खेलने के लिए बना रखे हैं। और ये आपका वेलकम एरिया, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं बढ़िया। और गणपति बप्पा, इनको सुबह नमन कर लेते हैं। जय गणपति बप्पा, जय बप्पा, जय गणपति बप्पा। और भाई यहाँ से देखना ज़बरदस्त व्यू सामने जमुना नदी का। और देखो ये रिलैक्स एरिया है कि यहाँ भी है, ये रिसेप्शन है, अभी रिसेप्शन पर कोई है नहीं। देखिए भाई, और भाई रात की कहानी अब क्या बताएं। रात को समस्या बहुत खड़ी हो गई, गाड़ी की खो गई थी चाबी, चाबी तो सुबह मिल गई लेकिन हमारा फोन खो गया, वो नहीं मिला। देखिए इधर है भाई स्विमिंग पूल, देखिए पीछे आपको दिख रहा हो स्विमिंग पूल है। और भाई तब तो थोड़ा झूले पे बैठ के रिलैक्स कर लेते। देखिए ये भाई झूला, भाई होटल तो सही है, अच्छा है। और अब सबसे बड़ा नुकसान मेरा है, मेरा फोन कहाँ है, फोन दो, निकालो कहाँ है। हुआ दोनों चेने। देखिए भाई चाय आ चुकी है, अब जो होना था सो हो गया भैया, अब तो वो चाय पियो और निकलो। ये देखिए भाई, ये है होटल का व्यू, और साइड में है खेत। और देखो गाड़ी के चारों टायरों की हवा निकल चुकी है, कम है पीछे वाले में, अभी नहीं आगे वाले में कम जाम ना है। और इधर है भाई अपनी गाड़ी, उठाते हैं गाड़ी और चलते हैं भाई, गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। ये देखिए भाई होटल को करते हैं विदा। इधर साइड में चल रही है यमुना की नहर, यमुना नदी में से पानी जो शहरों को लोकल सप्लाई होता है यहाँ से। पहाड़ उधर हिमाचल के, और ये कटा पत्थर छोटा सा छोटा कस्बा यहाँ बसा हुआ पहाड़ों के बीच में। भाई यहाँ पे लगा हुआ मेला, रात को अंधेरे में दिखा नहीं पाया और दिन में अभी सुबह नहीं हुआ। देखिए भाई गाड़ी के चारों टायर की हवा निकल चुकी थी, वो अभी डलवा ली गई है। हाँ भाई हवा किसी ने निकाली है, निकाली हुई है हवा, क्योंकि उसमें लकड़ी ही घुसी थी। होटल वाले ही करामात है। देखिए भाई विकास नगर शहर में आ गए, ये भी बड़ा। देखिए भाई हमने नीटू को तो कर दिया विदा, अब हम चलते हैं आशीर्वाद फटाफट से। हम भाई बल्लूपुर के लिए बैठ चुके हैं यहाँ से इस दोवाला से, और क्या करें भाई बिना फ़ोन के तो हालत ख़राब पड़े, फ़ोन खो जाने से दिक्कत हो गई है। सबसे पहले तो दोनों सिम निकलवाते हैं, और दोनों सिम निकलवा के फिर नया फ़ोन भी लेना पड़ेगा, बिना फ़ोन के काम चलेगा नहीं। तो देखिए बस में बैठे हुए हैं, पहुंच चुके हैं। ये रामनगर टेम्प्रेरी टेम्पो अड्डा बस स्टैंड, कुछ भी समझ लो भाई। भाई हम उतर चुके हैं बल्लूपुर चौक पे, कहते हैं कि ये है बल्लूपुर चौक, और यहाँ हमें देखना पड़ेगा एटीएम, तो हम सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, एटीएम से पैसे निकालेंगे भाई। भाई बल्लूपुर चौक पर एटीएम से निकाल लेते हैं पैसा,
ये देखिए सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक का एटीएम है भाई। एटीएम से निकाल लिया हमने पैसा। ये पीछे है बैंक, सेंट्रल बैंक। चलते हैं भाई, आशीर्वाद को करते हैं विदा। और अभी चल रहे हैं पैदा पैदा एयरटेल स्टोर पे। नहीं, पास पे ही दिखा रहा है मैप पे, 750 मीटर। हॉस्पिटल तो यहाँ बहुत हैं लेकिन भाई कहीं भीड़ नहीं मिलेगी। देखिए एक व्यक्ति मिल रहा है रिसेप्शन पर। कितना अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ लोग बीमारी नहीं पड़ते बिल्कुल भी। भाई सबरे कर्मकांड होके लौट के बुद्धू घर पे आ गए हैं भाई। और अब करते हैं नहाने की तैयारी, फिर करेंगे निकलने की तैयारी। क्यों एयरटेल स्टोर पर चलते हैं भाई, पहले एयरटेल की सिम निकलवाते हैं फिर कुछ काम करेंगे। ये देखिए भाई, ये सिद्धू पाजी हमें विदा करने के इंतजार में खड़े हुए हैं गेट पर। चलते हैं भाई, करते हैं विदा। ये रहा मकान जिसमें हम थे, और अब जियो का और एयरटेल दोनों ऑफिस यहीं पे है। पहले कौन सी निकलवा में? पहले एयरटेल निकलवाते हैं भाई, पहले एयरटेल को ढूंढते आए, पहले एयरटेल ही निकलवाते हैं। मैम एयरटेल की सिम निकल आएगी क्या? फोन खो गया है, एयरटेल की सिम खो गई है, मैं वो निकलवानी है। आप चलते हैं भाई जियो ऑफिस में। ड्यूटी जाने के लिए हम बैठ गए। ये मैजिक है, मैजिक है, जादू। देखिए भाई दिल्ली जाने के लिए बसें तो खड़ी हैं, लेकिन रोडवेजों पे हम पे भरोसा नहीं है हमें बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत टाइम लेट थी। उधर देखो हम आ गए भाई ISPT, यानी अंतर्राज्यीय बस अड्डा देहरादून उत्तराखंड। रोडवेज से जा रहे हैं हम, पहले जाएंगे सेक्टर 62। हाईवे जाएगी तो और बढ़िया, अंदर बिल्कुल जाती नहीं, 5 घंटे में दिल्ली लगा देगी। ठीक है ठीक है, तो बढ़िया भाई। चलो भाई सही है मेरी भाई टाइट। भाई हमने खाना खा लिया बस में, बस में ही बैठ गई, अभी खाना फिनिश कर दिया। रास्ते में बस एक जगह पर रुकी हुई है और ये है पंजाबी टूरिस्ट ढाबा, तो पीछे दिख रहा होगा आपको। अभी मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से यहाँ चारों तरफ गन्ना किसानों के खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको कितने सारे खेत हैं गन्ना के यहाँ पर। पीछे जितना दिख रहा है सारा गन्ना ही गन्ना। ये गाजियाबाद में एंटर कर चुके हैं और जो नज़दीकी पॉइंट है वहाँ पर उतरेंगे हम, देखते। चलो चलिए भाई यहाँ पर उतर गए। देख के भाई बहुत चलता है, निकलना मुश्किल हो जाएगा। शुरू हो गया नोएडा और ये लिखा है बड़ा बड़ा सा नोएडा, पत्थर से लिखा है, नहीं सीमेंट से बनाया भाई। आ गए हैं अभी गौर सिटी सेंटर पे। देखिए ये गौर सिटी सेंटर, जहाँ एक बार मैंने ब्लॉग बनाया भी है यहाँ का। देखिए ये सामने अपनी सोसाइटी, इसका आगे फोन खो खा के। वैसे पुराना है वो, एक्सचेंज करना। ओहो आरू बेटा, आरू बेटा क्या कर रही है आरू? कल टेस्ट है। कल टेस्ट है, टेस्ट की हो रही है तैयारी आरू की भाई। अभी नहा धो के एकदम से तैयार हो गए। तो यार क्या थकान हो गई थी बहुत, सफ़र बस का सफ़र तो ऐसा ही होता भाई, लेकिन समस्या ये फ़ोन खो गया तो भाई बहुत समस्या हो रही है बिना फ़ोन की, क्योंकि सारा डाटा रिकवर करना है। सिम भी एक्टिवेट कराई थी, सिम दूसरी निकलवा ली लेकिन वो भी एक्टिवेट नहीं हुई है। अभी डाल के देख रहा हूँ शिवराज के फ़ोन में, अभी फ़ोन मैंने लिया नहीं है, अब फ़ोन घर जा के लूँगा भाई। यहाँ चल पाया आज पहली बार, इतने दिनों में पहली बार 112-115 ब्लॉक हो गए और पहली बार मैंने दिक्कत आई है वही मुझे चुका है। खाना खाने जा रहा हूँ भाई।
है क्या भैया? हो गया हो गया, बहुत दिमाग है इंद्र भैया। एमडी भैया घर पहुंचे तो बोली चॉकलेट खिला मुझे, मैं इतना बड़ा काम करवा दिया आपका। ठीक है, और एक मिनट जी कंफर्म कर रहा था शौर्य, फिर तूने वो एक्शन ले लिए थे ना कि डिवाइस में जाके डिलीट, और पहले तो डिलीट इरेज सारा डेटा, देन सिक्योर द डिवाइस, ऐसा कुछ जो मैं अभी कुछ निकाली थी, ये आलू का सेल्फ है, गंदा हो रखा है, और ये हम यहाँ पे पेपर सकते हैं जरूरी, और ये मैंने यूं करके सजा रखा है, ये टाइम टेबल है, और ये थोड़ी मेरी पेंटिंग्स है। ये भाई जिसका की टाइम टेबल है, ये किस ड्राइंग बना रहा है, भगवान जाने एक मुझे पेट भर दो ना, मोना दस मंजिल बनाओ साला, और नाम सुना। और ये मेरी पिगी बैंक है, और ये मेरी डायरी है, और कुछ मैप्स है, और बुक्स है। और यहाँ इस साइड आर्ट एंड क्राफ्ट है की चीजें, और उस साइड पेपर रखे हैं। चलो ठीक है, तुम तो पूरा पूरा हिस्सा ले रहे हो, वैसे उतनी होती रहेगी।